पूजा उजा करके घर में टांग देते बाहर में लक्ष्मी पूजा दिन होकर बाद चिड़िया उड़िया खात रही थे। मतलब त्योहार में ककरो तीन मांगल नहीं लागे, मैं गरीब आदमी जिन किसान से खरीदे हो ना ओकर पैसा दू ना 5-7 हजार माहौल मिल जाते तिहार माने पर। कहाँ बहनी बिक्री बट्टा जहाँ कुछ नहीं 10 रुपया में देवा एकर महत्व कुछ नहीं, बस लक्ष्मी माता के वास होते घर में ओका हो। वोकल टीवी का ध्येय जनता की समस्याओं को सामने लाना है। यदि आप अपने क्षेत्र के, जिले के या ब्लॉक की खबर हम तक पहुंचाना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबरों पर संपर्क करें। नमस्कार, वोकल टीवी में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है और हम आज आपके लिए एक और स्पेशल स्टोरी लेकर आए हैं। दिवाली को के लिए कुछ ही दिन बाकी है और हम इसी सिलसिले में मार्केट निकले हैं। यहाँ पर दिवाली के लिए बहुत सारी चीज़ें साज सजावट से लेकर के खाने पीने की चीज़ें हो या फिर पटाखे हो, बहुत सारी चीज़ें हमें मार्केट में देखने को मिली है और उसी के साथ अब हम आपको लेकर आ गए हैं ये धान के बालियों से बने हुए अलग अलग प्रकार के जो झालर हैं आप देख सकते हैं, ये भी घर में लगाया जाता है। इसका अपना एक अलग महत्व है। यहाँ पर हमारे साथ मौजूद है, उनसे हम बातचीत करके जानने की कोशिश करेंगे कि ये इसका क्या एक्चुअली महत्व है, कि क्यों इसे घर के बाहर में लगाया जाता है, क्या सिर्फ इसे सजावट के तौर पर लगाया जाता है कि इसका अपना एक महत्व है। क्या नाम है बाबा? बिसाहत पारधी। कहाँ ले? बुड़ेनी। बुड़ेनी खरोरा, बुड़ेनी बेलदार सिवनी खरोरा। धान झालर बनावा था। अच्छा, कौन दिन ले दुकान लगाया है? हम सोमवार से लगा है। अच्छा, और कब तक लगते दुकान? लक्ष्मी पूजा का वक्त ले। अच्छा। लक्ष्मी पूजा के 12-1 बजे घर चल देते ना। आप मन ए साल पहली बार लगाया था वा धन हमेशा लगा था? तो 7-8 साल हो गए लगावत। हर साल दिवाली पर? हाँ हाँ, हर साल दिवाली में आता ना हम। अच्छा, ये जो धान के आप मन उपयोग करे हवा, ये धान आप मन के खेत के हवा? मोर खेत के नो है, मैं किसान से खरीदे हूँ ये धान ला। खरीदे हैं? हाँ। मतलब कि कटाई हो गई धान के ना? हाँ हाँ, हो गए कटाई। तो धान के जो कटाई होते ओकर बाद ये जो एकदम नया धान है वही हरे? हाँ, नया धान है, महामाया धान है, नया है। अच्छा। हाँ। एकर का महत्व है, काबा ला घर के बाहर लगाए जाते हैं, आप मन कुछ पता? पूजा करते किसान रायपुर में और पूजा उजा करके घर में टांग देते बाहर में लक्ष्मी पूजा दिन होकर बाद चिड़िया उड़िया खात रही थे। एकर महत्व कुछ नहीं, बस लक्ष्मी माता के वास होते घर में वो का होगी, बस पूजा के कारण ले खरीदे जाते हैं। एक ठेला बनाए में कितना समय लगता है? अभी एक ठेला बनाए पर समय 10 मिनट लाग जाते। हाँ, का अलग बहुत सारा अलग अलग वैरायटी दिखत हवे, झूमर है हमारी, दिल छाप है और वो है दरवाजा वाला है, वो दे मंदिर छाप है, ये मंदिर छाप बोलते हम। हाँ, ये मंदिर छाप है। एक 60 रुपया जोड़ी है। जोड़ी, जोड़ी? हाँ, दो ठन की। हाँ हाँ, जोड़ी जोड़ी में एक ठन भी लेते। हाँ, हाँ, और बस सोच के वो वाला ही देखा, वो दिल छाप वाला, वो दे। हाँ, ये टंगा है दे। हाँ, 100 रुपया भूल देता एक ठन ला। हाँ, कितना बिक्री हो गई है अभी तक के? अभी तक ले वही वही सो ही 2-3 हजार के हुई सो ही। अच्छा, आप मन के लागत का है? मोर लागत था तो 6-5 हजार के आगे। अच्छा, मतलब कि लक्ष्मी पूजा के आज आज ले बढ़िया अपन के पूरा चार्ज जते। मोला त्योहार में ककरो तीन मांगल नहीं लागे, मैं गरीब आदमी जिन किसान से खरीदे हो ना ओकर पैसा दू ना 5-7 हजार माहौल मिल जाते तिहार माने पर। हाँ, अपन के ये जो धान के अपन झालर बेचा था, कितना बिक्री हो गया अब तक? कहाँ ये दे, अभी तो आए हम, कहाँ बिक्री हो है माँ? कब ले लगाया दुकान? ये 2-3 दिन हम से बिक्री नहीं हुआ था। अभी नहीं हुआ है, जय दीपावली है, जय हुई तब। का नाम है वो? गौरी। अच्छा, कहाँ ले? हम बुड़ेनी। अच्छा, अपन भी बुड़ेनी से आए। तो कब ले लगाया दुकान? 5 दिन हो गए हमारे। अच्छा, 5 दिन ये सब यही बैठे बैठे बनाए हैं? था नहीं, हाँ घर गाँव से ला है। गाँव से बनाए हैं? कब कब तक दुकान लगे रही? सुरहुत्ती कावत ले। सुरहुत्ती कावत ले। अच्छा, अब तक कितना बिक्री होगी? बिक्री हो जाते दिन भर में 500-400 ऐसे ऐसे हो जाते, ज्यादा कोई नहीं। जब त्योहार एकदम पास रहत हुई तभी तो बिक्री ज्यादा होती। ज्यादा होती लास्ट टाइम में सब बिक जाते, ज्यादा हो जाते। मतलब ये जो एक बनाते है ना, एक एक ठन बनाए में कितना टाइम लगता?
10-15 मिनट लगते है। कहाँ बहनी बिक्री बट्टा जहा कुछ ने 10 रुपया में देवा था। एला 10 रुपया में दे था अपन। आगे तो महंगा मिला था। कहाँ महंगा 10-20 चला थे और डेली 10-6 सही जा। अचानक भी आना कर ले। दिखावा एला का बा घर में लगाए जाते। पूजा पाठ करके घर में लगाए जाते। पूजा करते घर तहर लगाए जाते। त्यहां ले ले पूजा करके बाहर में रखते चिड़िया खाते। और कोई मान्यता है? मान्यता लय लक्ष्मी लय है तो महान धंधा चला थे। छत्तीसगढ़ में जैसे देख रहे धंधा करा था ना मन मतलब तो एक पूजा पाठ के ही समय आते ना दीपावली के तेला बनाए जाते। अपन किसान है? किसान अपन किसान है। हाँ। और ये जो धान है अपन के खेत की नहीं खरीदे वाले नहीं वो है यहाँ था ना आगे बोए रहे थे ना देते तेल बना था मतलब हमें। तो यहाँ पर मौजूद जो लोग ये बनाकर अपने गांव से लेकर आए हैं और यहाँ पर बैठ के भी यहाँ पर इस झालर को बनाया जा रहा है और करीब करीब लगभग एक हफ्ते से ये यहीं पर रहते हैं और यहीं पर इसका ये झालर बनाते हैं और फिर इसे बेचते हैं अपने अपने दामों में अलग अलग दाम में। तो हमने ये जाना कि इसकी अलग महत्व है। क्या महत्व है कि इसे पूजा की जाती है। छत्तीसगढ़ एक धान का कटोरा है और इसे अन्न देवता के रूप में पूजा की जाती है और इसे फिर घर के बाहर दरवाजे के बाहर लगा दिया जाता है जिसे चिड़िया बाद में खा लेती है। और आप देख सकते हैं मेरे पीछे भी बहुत सारे लोग हैं जो खरीदारी कर रहे हैं और सभी ये अलग अलग प्रकार के झालर है, झाड़ू है, छोटे छोटे झाड़ू भी यहाँ पर बहुत खूबसूरती से बनाए गए हैं जिससे इसकी खरीदारी की जा रही है। ऐसे ही वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल वोकल टीवी के साथ आप जुड़े रहिएगा। मेरी सहयोगी संध्या साहू के साथ मैं लक्षिका रायपुर छत्तीसगढ़।